मिस प्लेनेट इंटरनेशनल इंडिया अदिति भटनागर ने कंबोडिया में 55 देशों के बीच मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी का खिताब जीतकर झांसी का गौरव बढ़ाया है। वहीं वो विदेश में 100% मुफ्त छात्रवृत्ति भी दे रही हैं। मिस प्लेनेट इंटरनेशनल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसमें झांसी की अदिति भटनागर ने 19 नवंबर को कंबोडिया देश की राजधानी नोम पेन में आयोजित किया गया था, उसमें झांसी से झंडा फहराने और भारत को 55 देशों के बीच प्रतिनिधित्व मिस प्लेनेट इंडिया अदिति भटनागर ने किया। अदिति भटनागर ने आज झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज हमारे बुंदेलखंड की लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो कंबोडिया देश के LSI विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रम के लिए 5 बच्चों की मुफ्त छात्रवृत्ति भी दे रही हैं। साथ ही अदिति भटनागर ने प्रतियोगिता में अपनी बुद्धिमता के लिए मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी का खिताब जीता। वहीं उन्होंने बताया कि हम बेहतर स्वास्थ्य के साथ, बेहतर कपड़ों के इस्तेमाल के साथ भी अपनी जीवन शैली में सुधार करके बेहतर जीवन शैली भी जी सकते हैं। इस मौके पर अदिति भटनागर के परिजनों के साथ झांसी के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये जर्नी लंबी ज़रूर थी पर बहुत रोमांचक थी, और सबसे पहले तो मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे इस जर्नी में हेल्प करी। मतलब कई लोग थे, इट वॉज़ अ विलेज ऑफ पीपल जिन्होंने मेरी हेल्प करी, एंड उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और वहाँ जब मैं गई थी तो वहाँ 55 कंट्रीज से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग जगह से लोग थे, पर सबसे अच्छी बात ये थी कि सबको पता था इंडिया कहाँ है, इंडिया क्या है और इंडिया कौन है। तो वहाँ पे मैं इंडिया थी, एंड उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया अपनी कंट्री को, बहुत सभ्यता के साथ में। तो मेरा पहला विजन तो ये है कि सबसे पहले इंसान को योग की तरफ बढ़ना चाहिए, मेडिटेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, उससे उनका मन शांत होगा, माइंड में एक कामनेस आएगी। दूसरी चीज़, उनको अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान जब पढ़ेगा तभी वो बढ़ेगा। और ये मेरा विजन है इनके लिए, इसीलिए मैं 5 स्कॉलरशिप भी लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कंबोडिया में, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनको 100% फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी इसकी वजह से, और मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ वहाँ से। LSI यूनिवर्सिटी है, बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है, नोम पेन शहर है, कंबोडिया का कैपिटल है, तो उसमें वो जाएं पढ़ें अपनी एजुकेशन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बुंदेलखंड में रह रहे हैं और हमें इस चीज़ के लिए बहुत गर्व होना चाहिए कि हम बुंदेलखंड से हैं, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, मैं देख कर आई, मैं अलग अलग कंट्री के अलग अलग कल्चर से, उनकी सभ्यताओं से मिल कर आई, और मुझे ऐसा लगता है हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है। और इसको अपना के, सिर्फ इस लाइफस्टाइल को लेके, जो हम सुबह उठने से लेके टाइम पे सोना और जो हमारा खान पान है उससे लेके, हमारा एक बहुत हेल्दी माइंडसेट हो सकता है। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जो गांव में है, आप ये मत सोचिए कि आप बहुत गांव में या कुछ है, शिक्षा हर जगह है। आप अपनी पढ़ाई को कायम करें, उस पर आप लगे रहें, आप पढ़ना ना छोड़ें किसी भी हाल में। अगर आप एजुकेटेड होंगे आप दुनिया में हर चीज़ जाके पा सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की। अगर आपके अंदर वो होगी आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज के युग में बेटा बेटी वास्तविकता में बराबर की हैसियत रख रहे हैं। अब किसी भी लेवल पे लड़की लड़कों से कम नहीं है, बल्कि मैं एक जनरल बात शेयर कर रहा हूँ, मैंने कई जगह देखा है लोग माँ बाप बच्चों से, लड़कों से तो अपने एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन काम उनकी बेटियाँ ही आती हैं। तो मैं चाहता हूँ हर माँ बाप बच्चियों को अपनी बहुत पढ़ाएँ, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, तो ताकि देश का नाम ऊंचा करें, माँ बाप का नाम ऊंचा करें, खुश भी खुश रहें। पहले तो मैं अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम माला मेहरोत्रा है और मैं झांसी की बहू हूँ, बेटी उत्तर प्रदेश लखनऊ की हूँ। अदिति अनडाउटली हम सब के लिए एक गौरव है। अदिति ने जो सफ़र तय किया है, आज जो हासिल किया है वो तो सबको दिख रहा है, मगर इसके पीछे का सफ़र उसके लिए बहुत आसान बिल्कुल नहीं था, बहुत मुश्किल था। खुद उसके घर पे भी किसी को विश्वास नहीं था कि वो इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगी, मगर
सबसे अच्छी बात यह है कि इसका खुद का विश्वास बहुत था। तो अदिति एक एग्जाम्पल सेट करती है अपने आप में कि अपने आप पे सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। और इसकी एक सोच बहुत अच्छी थी कि अगर आप हेल्दी बॉडी रखेंगे तो पॉजिटिव थॉट हमेशा रहेंगे, और ये सबके लिए है। वो हमेशा इस चीज़ को फोर्स करती हैं कि आप अपनी बॉडी पे काम करें, अपने आप को, अपनी डेली रूटीन को बहुत फिट रखें, अपनी डाइट, अपनी सोच हमेशा अच्छी रखें। आज इसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये टाइटल हासिल किया है, ये क्राउन हासिल किया है, जिसको हासिल करना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ 55 कंट्रीज़ की लेडीज़ आपको कम्पीट कर रही हूँ, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही ऐसी चीज़ होती है, विल पावर ही ऐसा होता है जो आप उन सबको हरा सकते हैं। झांसी से अखंड प्रताप की रिपोर्ट।